मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत शिशुओं को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री निवास में हुआ। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल, प्रबंध संचालक स्वास्थ्य मिशन सुश्री छवि भारद्वाज, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला मौजूद रहे। गौरतलब है कि यह पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का रजत जयंती वर्ष है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य 1,11,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा देने का है, जिसके लिए 44,625 बूथ बनाए गए हैं। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने समाज से अपील की है कि इसमें सहयोग कर पोलियो को जड़ से खत्म करें। बहुत प्रसन्नता की बात है कि पोलियो को समाप्त करने के लिए 25 साल पहले पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया गया था। वो बच्चे जो समय छोटे छोटे थे उनको दो बूंद हर बार पल्स पोलियो ना हो इसलिए पिलाई गई थी। आज वो बच्चे 25 साल लगभग 25 साल के हो गए। आज जब हम ये अभियान फिर प्रारंभ कर रहे हैं तो मुझे बताते हुए खुशी है उन बच्चों को भी जो ये दो बूंद जिंदगी की पी के पोलियो से मुक्त हुए हैं, उनको ही बुलाऊ टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है और सक्रिय रूप से वो पोलियो को समाप्त करने के अभियान में आज सम्मिलित है। हमारा लक्ष्य 1,11,00,000 बच्चों को ये दो बूंद जिंदगी की पिलाने का, इसके लिए कुल बूथ 44,685 बनाए गए हैं। ट्रांजिट बूथ 2,488 है। हाई रिस्क एरिया भी चिन्हित किए गए हैं 4,117 और कुल 89,370 टीमें इसके लिए बनाई गई है। मोबाइल टीम भी 1,609 काम करेंगी। वैक्सीनेटर 89,370 हैं। सुपरवाइजर 8,937 हैं। ILR 2,744, डीप फ्रीजर 2,802 और वैक्सीन कैरियर 1,38,000 की व्यवस्था की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।